अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में महागठबंधन की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया। महागठबंधन की बैठक में चुनाव संचालन समिति का गठन हुआ, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र झा बनाया गया है। बैठक में घटक दलों के नेताओं के अलावा सभी मंडलों के अध्यक्षों को बुलाया गया था। गठबंधन के साझा उम्मीदवार चंपई सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कैंपेन चलाए जाने पर आम सहमति बनी। हमारा सभी महागठबंधन के हमारा सीनियर लीडर अपना चुनाव का जो है सारा अपना रणनीति साथी के बीच में रख लिया है और हम लोग कैसे महागठबंधन का भूमिका क्या रहेगा, किस किस पदाधिकारी किस तौर तरीका से अपना काम को एक समन्वय बना के कैसे काम होगा, ये सब चर्चा हुआ। अभी जो रहा है वो लोग हताश हो गया है। हम तो कहते हैं देश के अंदर में जो कहता है कि हम शौचालय बना दिया, खाली अमित शाह वो शौचालय घुस के दिखाए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा 26 अप्रैल को 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसके लिए एसडीओ ने जागरूकता रथ को झंडा दिखाकर रवाना किया। प्रशासन का प्रयास है कि 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों और शिक्षकों के अलावा ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग शामिल हो। बुधवार को एसडीओ चंदन कुमार ने जागरूकता रथ को झंडा दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि लोग 100% मतदान में भागीदारी करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोई मतदाता छूटे नहीं। जान रहे हैं कि 12 मई को जमशेदपुर में चुनाव का दिन निर्धारित है। इस दिन सभी से अनुरोध है कि घरों से बाहर निकलकर वोट दें और लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी क्रम में लोगों को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन जमशेदपुर में किया जा रहा है। इसमें 2,00,000 से अधिक लोग 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी में एक लंबी मानव श्रृंखला बनाकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर सभी भेदभाव को मिटा देंगे। छात्रों के बेहतर भविष्य और करियर के लिए 24 और 25 अप्रैल को काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के जरिए छात्रों को सभी कॉलेजों और पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को एक गाइडलाइन दिए जाएंगे। वे अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रमों को पसंद कर पाएंगे। कैरियर काउंसलिंग में छात्रों को बेहतर सुझाव भी दिए जाएंगे। फिर है 2 दिनों के 24 और 25 एल्कॉट होटल में हो रहा है, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक का है। इसमें उद्देश्य ये कि अभी क्लास 12 के एग्जाम सारे खत्म हो चुके हैं, अब स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, कौन सा सिटी क्या है, उनको वैसे इंजीनियरिंग करना है, मैनेजमेंट करना है, डिफरेंट कोर्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। यहाँ ऑल ओवर इंडिया से जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो सारे अपने कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सरायकेला जिले के कपाली में बीती रात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पेशे से ऑटो चालक था। देर रात ऑटो चालक ओम प्रकाश अपने घर लौट रहे थे। उनके घर के पास ही अपराधियों ने उन्हें घेर कर मार डाला। बताया जा रहा है कि उन पर 4 चक्र गोलियां चलाई गई। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक को लोग ओपी कहकर पुकारते थे और वे मिलनसार और शांत प्रवृत्ति के थे। ओम प्रकाश जी हमारे ओपी भैया, ओपी भैया बोलते हैं सबको, हमारे बस्ती के जितने भी लोग हैं ओपी भैया बोलते हैं। अच्छा। नाम हुआ उनका ओम प्रकाश। अच्छा, ठीक है। तो उनको पता नहीं अब चल रहा है कौन मारा है, उनके घर के पास ही गोली मारा गया है। पार्टी खा के आए हैं जबकि वापस आए हैं पार्टी से। अब बोलने वाले तो बोल रहे हैं कि 6 गोली चली है। 7-8 तो हम लोग यहाँ खोखा देखे हैं, गिरा हुआ 7-8 खोखा देखा गया, पर पता नहीं कितने गोली चले हैं। टेलको में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। टेलको थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में जमकर मारपीट और झड़प हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग इस झड़प को राजनीतिक दलों से जोड़कर भी देख रहे हैं। घायलों का इलाज अलग अलग स्थानों पर चल रहा है।
लॉयला स्कूल के पास ठेला लगाकर डोसा बिक्री करने वाले ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना पाकर बिष्टुपुर थाना की पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक ने अपने शरीर और दीवार पर कुछ लिखा है जिसे पुलिस समझने का प्रयास कर रही है। मृतक की पत्नी सीमा उर्फ तुलसी ने कहा कि कोई विवाद नहीं था और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। नाट्य कला विलुप्ति की कगार पर है। बुधवार को खामोश अदालत जारी है नामक नाट्य का मंचन किया गया। नाट्य कला विलुप्ति की कगार पर है, शायद इसलिए क्योंकि आज इंटरनेट के युग में लोग नाट्य देखना पसंद नहीं करते। इधर इस कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास योजनाएं और फंड तो हैं, पर उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसे हासिल करना काफ़ी कठिन होता है। बुधवार को खामोश अदालत जारी है नामक नाट्य का मंचन किया गया। सारे फंड है नाटक के नाम पे, केंद्र सरकार के पास भी और राज्य सरकार के पास भी, लेकिन ये जो फंड लेने और देने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी जटिल है कि जो आम आदमी है, रंगकर्मी, वो बेचारा इन जटिल प्रक्रियाओं में अगर उलझ गया तो फिर नाटक की तैयारी नहीं करता। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। सामाजिक संस्था सुभाष मंच द्वारा एक गरीब कन्या का विवाह बागबेगा स्थित शिव मंदिर में कराया गया। संस्था द्वारा समय समय पर समाज हित में कई कार्य किए जा रहे हैं। गरीबों के बीच भोजन, गरीब बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तकों का वितरण किए गए हैं। कमजोर वर्ग की गरीब कन्याओं के विवाह का बीड़ा भी उठाया गया है। इसी क्रम में कीताडी की पूनम का विवाह भी कराया गया। इस दौरान कन्या और वर पक्ष के लोग भी मौजूद थे। आज सुभाष युवा मंच के द्वारा एक शादी का आयोजन किया गया है जिसमें तेज बहादुर जी के तीन बच्चे हैं, तीन लड़कियां हैं और एक लड़के हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी झारग्राम के छोटू यादव से तय किया था। शादी तय होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मुझसे संपर्क किए वो लोग और हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया जो शादी धूमधाम से होगी और ये शादी हम लोग संभल कर धूमधाम से कर रहे हैं। अभी लड़की की शादी हो रही है।